ये क्या कहते हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज शाम के 4 बजे से ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ और मैं छत पे गई थी ना, थोड़ा सा मुझे शुरुआत वगैरह मैंने किया था। आज है मतलब दिन तो है शुक्रवार, डेट है 7, आज है 7 डेट। तो चलते हैं अभी नीचे, चाय वाय बनाने का टाइम हो रहा है। तो थोड़ा सा धूप निकला था ना, तो मैं बैठी थी धूप में थोड़ी देर, और बहुत ज़रा सा धूप था आधे आधे घंटे तक। और यहाँ आराध्या अभी पार्क में गई हुई है, तो चलते हैं अभी शाम की चाय बनाने के लिए। और आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि मैं ना चल रही थी। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट के साथ इवनिंग चाय पीते हैं। तो फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, मतलब वही 4 बजे रहे होंगे, और भाप से थोड़ा सा इसमें आ रहा है वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आराध्या का। मैंने यहाँ पे आवाज़ काट दी है और इनका यहाँ पे हो रहा है पेट दर्द, तो ये कैसे मतलब हाई कर रही थी। और यहाँ पे कृतिका वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने मस्ती वाला वीडियो भी बनाया हुआ है, आगे आप लोग सुनिएगा आराध्या की कुछ बातें हैं ऐसी जो शायद बहुत लोग को कल पसंद किया गया था इनका, तो मैंने सोचा कि इनका आज क्यों ना डाला जाए। तो थोड़ा सा मैंने इनका अलग सा वीडियो बनाया है, तो आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। और यहाँ पे चाय मतलब हम लोग भी पी रहे थे, आराध्या का पेट जैसे बताया था कि दर्द हो रहा है, तो ये भी ऐसे बात करेंगी कि आपको मतलब हंसी आ जाएगी, बिना हंसे तो आप लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दीदी बस शाम टाइम में और कंबल में जब घुस जाओ ना, तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और आलस सा आता है। बस यही मन करता है कि बस कंबल में भैया ओढ़े रहो, आराम से बैठे रहो। तो ठंड में बस ऐसे कुछ होता है। फिलहाल आप लोग के साथ होता है कि नहीं यहाँ होता, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये लीजिए आराध्या की बातें, सुनिए आप लोग जरा सा। हेलो ये क्या कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। हेलो यो क्या कर रही हो? कल क्या, कल सब लोगों ने बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद किया था आरू, तुम्हें कैसे आंख मार रही थी जरा जरा बता ले। अच्छा सा हाय तो करो, सब लोग कैसे हो पूछो जरा। हाय कैसे हो आप सब? ये क्या कर रहे हो? अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो। कल आप लोग का बोलो हाउ आर यू, कल आपके वीडियो में बहुत अच्छा लगा था आपको। वो देखो पुताने भी रो रहे हैं। ये देखो ठंड का मजा लेते हुए कंबल के अंदर घुसी है मिस आराध्या, इनकी बुआ जी। तो आई होप आराध्या की बातें अभी खत्म नहीं हुई, फिलहाल अभी और सारी बातें हैं और ये बहुत अच्छे से बात करती हैं आराध्या। ऐसे करो, लव यू, आई लव यू, हाय। मैं अभी छत पे आई थी चाय वाय पीने के बाद, एक बार रजाई में घुस जाओ ना तो उठने का मन नहीं करता कंबल में, तो मैं लेटी थी मुश्किल से 10 या 5 मिनट लेटे होंगे। और उसके बाद एक टेंशन रहती है ना, ये काम करना है बस। अभी ऊपर आए थे ना तो कपड़ा वगैरह फोल्ड, ये गीले कपड़े हैं जो अभी टंगे हुए हैं, इसको मैं नीचे मतलब नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि ना सब कहते हैं ना रात में कपड़े छत पे या बाहर नहीं डालना चाहिए, ये हमारे मतलब संस्कृति कह लीजिए या मतलब ऐसे कि कपड़ा रात में नहीं डालना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी, नीचे देखो कहीं भी जगह मिल जाता है वहीं में मैं डाल दूंगी। और जो कपड़े सूख चुके हैं वो मैंने इसी मतलब यहीं पर मैंने फोल्ड कर लिया है और बस इसको कबर्ड में लगाऊंगी। और प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को फुल सपोर्ट दें और वीडियो को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेहनत हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब डेली ब्लॉगिंग करना, घर का काम करना, सब कुछ करना ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल रही, तो आप लोग का भी फर्ज है। तो वीडियो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नहाना धोना कपड़े वगैरह, आप लोग को पता है ना कितने ज़्यादा काम है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग भी अगर कपड़े गीले हैं तो छत पे ना छोड़िए कभी भी, क्योंकि पितृदोष भी होता है सब कहते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि गीले कपड़े आप बाहर कहीं ना डालें, अपने मतलब गैलरी में या रस्सी वगैरह डाल के कहीं भी डालें, लेकिन रात में। टाइम का व्यू आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर बारिश हुई थी सुबह भी इस टाइम भी, तो छत तो अभी गीले हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा गीले थे। थोड़ी देर में घूमनी मतलब घूमनी कह रही घूमी हूँ, और इस टाइम के व्यू आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खुला आसमान एकदम अच्छा सा है ना। और मेरी कॉलोनी इस टाइम यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, है ना, आप लोग बताइएगा।
इतना सुंदर व्यू आ रहा है शाम टाइम के, 6 बजने वाले होंगे या 5:30 समथिंग। हाँ एक मिनट में देख लेते, 5:30 उसके बाद शाम टाइम की बस यहाँ पे आरती वगैरह करूँगी मैं, और क्योंकि ना पैर हाथ धुलने के बाद फिर पूजा पाठ करना, और शाम की आरती तो सुबह शाम तो भाई सब पूजा ही करते हैं। शाम को मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप सुबह पूजा करते हैं और शाम को मतलब करते हैं, तो एक्चुअली सब जगह होता होगा, तो एक चीज़ मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लक्ष्मी जी का 11 या 21 बार नाम लेके मतलब ये मंत्र जप करें, मतलब ओम लक्ष्मी नारायण नमः या ओम लक्ष्मी रमणा करके अगर मतलब 11 बार 21 बार आप करेंगे तो लक्ष्मी का पास बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल ये चीज़ें मैंने बहुत पहले सीखी थी, जब मैंने अपना होश संभाला था ना तो मेरी मम्मी वगैरह करती थी और वो सारी चीज़ें। अब जब मैं अपना मतलब अपना गृहस्थी में आई तो मुझे ये चीज़ को फील हुआ। वैसे आप लोग भी ये चीज़ें ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी का 15-20 मिनट आप आगमन के लिए मतलब थोड़ा सा उनका मंत्र जाप करें। अगर लक्ष्मी तो ऐसा सबको ज़रूरत होती है तो शाम टाइम में उनका 7:21 तो आप लोग प्लीज़ करें। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है, मतलब मैंने वीडियो थोड़ा सा बनाया था, मैंने 15-20 मिनट कम से कम पूजा करती हूँ। तो ये माता रानी का यहाँ पे दीपक चल रहा है, तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे सब। मुझे आप लोग को और दिखाना है लेकिन आज नहीं, कल के व्लॉग में जाएगा। मैंने ये सूट लिया है, 4 पीसेस हैं, 4 ही है, कलर बहुत अच्छा है और मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ऑफलाइन लिया है। ये मेरे घर पे मतलब बेचने आते हैं ना जो पहाड़ी वाले, तो इस टाइम ठंड के टाइम पे वो अधिकतर घूमते रहते हैं। तो यार इतना अच्छा मतलब वो कपड़े हैं उलन के, इतने सुंदर लग रहे हैं और कलर भी बहुत अच्छा है। तो मैं कल आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ। तो कल मैं दिखाऊंगी भी, 4 पीसेस हैं। तो एक मतलब 4 मैंने लिया था, तो एक दीदी बड़ी वाली ले गई, वो मतलब आज आई थी, मतलब शाम को गई हैं, सॉरी शाम को नहीं दोपहर में हो गई हैं। तो एक दीदी को मैंने दे दिया है, 2 मैंने लिया है एक छोटी दीदी के लिए। लेकिन यार सूट आप देखेंगे ना तो उसकी प्राइस वगैरह भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन कल के ब्लॉग में बताऊँगी। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी मटर टमाटर, क्योंकि इस टाइम का वही सीजन चल रहा है आलू गोभी मटर टमाटर। क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी अरवी की सब्जी, तो इस टाइम मैं बनाऊंगी गोभी आलू की, पापा को खाना वही है। तो अरहर की सिंपल सी दाल बनेगी, कोई रेसिपी इस टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे खाना मतलब बना पा रही हूँ मैं बैठ के। तो जैसे मेरा किचन वगैरह सेट होता ना तो किचन मतलब आपको दिखाऊंगी भी, और कुछ रेसिपी अलग मैं आप लोग को दूंगी। तो वेट करिए, मतलब देखते हैं, 4-5 दिन और लगने वाला है उसमें, तो इसी वजह से। और अभी हम लोग जब लेटे थे ना तो ये कंबल वगैरह अभी वैसे पड़ा है, आराध्या सो चुकी हैं तो अभी आगे रूम में है वो। तो चलिए पहले सब्जी में फ्राई कर लेती हूँ, और वीडियो भी मुझे एडिट करना है अभी जस्ट 5 मिनट और वीडियो में बनाऊंगी और उसके बाद एडिटिंग करना है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को फुल वॉच करें, सपोर्ट ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आज ना बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ यार, इतना बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर करते करते ना इसलिए हालत एकदम मेरी ख़राब रहती है। और यहाँ पे बस वही जैसा मैंने बताया था कि दाल वगैरह, तो यहाँ पे दाल वगैरह मैंने धुल दिया है, हल्दी नमक वगैरह डालूंगी। और आप लोग इतना मतलब वीडियो पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। तो आज पता है मैंने वीडियो बहुत लेट से स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था शाम टाइम में, और सुबह तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि ना वीडियो बनाने में और काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि जो काम मैं आधे घंटे में कम्प्लीट कर पाती हूँ ना, तो वीडियो बनाने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने के साथ साथ घर का वो करना थोड़ा सा। और इस टाइम पता है कि किचन मेरा ऊपर हो चुका है ना, तो ये उठक बैठक वाला काम ना बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे से। और एक्चुअली क्या है कि मैं इसी से बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, कुछ सामान मेरा नीचे है कुछ ऊपर है, फिर इधर चाय पानी, मतलब आपको पता है ना 3 फ्लावर पूरा चढ़ना उतरना, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि भैया मैं ही जानती हूँ, मैं वैसे ही थक जाती हूँ। लेकिन आप क्या करते हैं, जो करना है वो तो करना है ही है। तो बस वही सिंपल सी सब्जी मैं बना रही हूँ, शाम टाइम का ये डिनर बन रहा है। तो डिनर अधिकतर 8:30 या 9 बजे तक सब कर लेते हैं, कभी कभार लेट हो जाता है 10:11, 10:30 भी हो जाता है अगर कोई आ गया ना, फिर तो लेट हो जाता है। तो ये देखिए सब्जी का कलर, बस सब्जी थोड़ा बहुत मतलब और मैं पकाऊँगी उसके बाद फिर, क्योंकि पापा को बहुत वैसे सब्जी पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं पसंद है। तो सब्जी वगैरह मैंने फ्राई कर दी है, दाल वगैरह ये सब सारे हो चुके हैं, बस खाना बनाना है, रोटी बनाना है। तो मैंने सोचा कि वीडियो को मतलब विराम कर देते हैं, आप लोग से बाय बोलते हैं और उसके बाद एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं आप लोग को। तो
तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे ना, इतनी से अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना प्यार अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप सभी का जो आप लोग इतना कीमती टाइम दे रहे हैं। बस यूँ ही अपना साथ बनाए रखिएगा, उम्मीद है आप लोग ऐसे लोग पे बनी रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। तो चलते हैं, एक मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।